फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी चुनाव में लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब कई मुख्यमंत्री उम्मीदवार खुद मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर कई किस्म की चर्चाएं चल रही थी। कहा गया कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गिन्नौर विधानसभा की बात भी सामने आई। फिलहाल इस बात पर मुहर लग गई है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। पिछले 19 साल से इस सीट पर सपा कभी चुनाव नहीं हारी है। साल 2017 की बात करें तो इस सीट से सोबरन सिंह यादव सपा के टिकट पर मैदान पर उतरे थे और 38,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। 2012 में भी सोबरन सिंह यादव ही 30,000 वोट के मार्जिन से जीते थे। 2007 में भी सोबरन सिंह यादव ही 17,000 वोट से चुनाव जीते थे। अगर करहल सीट का इतिहास देखें तो 2002 में यहां सपा चुनाव हार गई थी, तब सोबरन सिंह यादव ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। ऐसे में बड़ा सवाल होगा कि अखिलेश यादव को टिकट मिलने के बाद क्या सोबरन सिंह यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस सीट से चुनाव लड़ने वाले राधा मोहन अग्रवाल के विरोधी सुर सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि योगी अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने गढ़ सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर सभी बड़े नेता मैदान में तो हैं, लेकिन सभी अपने अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।